Sir, every fluctuation. What does the graph say? Stocks are going up and stocks are going down. Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 9 अक्टूबर 2019 वेनसडे सुबह के 8:37 हो रहे हैं। दूसरा ट्रेडिंग सेशन इस वीक का, कल छुट्टी था तो सबसे पहले कल के एनालिसिस का क्विकली रिव्यू करते हैं, फिर निफ्टी के चार्ट के ऊपर चलेंगे। ये पिक्चर है मंडे का, यानी 7 अक्टूबर आफ्टर मार्केट आवर्स ये पिक्चर लिया हुआ है। अगर आपने हमारा मंडे का वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ आए बटन न्यूज की लिंक आपको मिल जाएगी। तो ये मंडे के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 11,215 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,157। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 10 मिनट का निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है। जैसे ही निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ तो इसने ब्रेकडाउन लेवल हमारा ब्रेक किया और फर्स्ट टारगेट 11,129 ये यहाँ पर अचीव किया, और यहाँ से ही एग्जैक्ट इसने इसी लेवल के पास सपोर्ट टेस्ट करके एक बाउंस बैक दिखाया, लेकिन ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। इसने हाई लगाया 11,233 का और ब्रेकआउट लेवल जो था हमारा 11,215, काफ़ी देर इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया, इसने एक ज़बरदस्त हर्डल का काम किया, इसके ऊपर ये क्लोज नहीं हो पा रहा था और फिर से एक बार टुवर्ड साउथ की तरफ आके जो हमारा फर्स्ट टारगेट था ऑलमोस्ट उसी के पास आके ये क्लोज हुआ। तो मंडे के स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 22 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 16,500 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये था मंडे के एनालिसिस का एक वीकली रिव्यू। चलते हैं सीधे निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। ये है वीकली चार्ट। वीकली चार्ट में अगर प्रीवियस के प्रीवियस कैंडल को देखें तो यहाँ पर स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक बना दिया था, उसके बाद ये लास्ट वीक यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडलस्टिक बना है। तो अभी यहाँ पर सीधा तौर पर पैनिक मूव हमें देखने को मिल रहा है। अगर ये इसी लेवल से और भी टूवर्ड्स साउथ की तरफ मूव करता है तो 11,000 एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एक सपोर्ट होगा 11,000 के पास। ये यहाँ पर जहाँ पर ऑलमोस्ट ये 23.6% का 10,983 का ये जो लेवल आ रहा है, ये यहाँ पर एक सपोर्ट का काम कर सकता है, फर्स्ट सपोर्ट। और ऊपर जाते हो तब इसे ये 50 EMA और ये 20 EMA ये अभी रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, जो कि 50 EMA अभी 11,185 यानी ऑलमोस्ट 200 के पास है, और ऊपर 20 EMA ये जो पिंक लाइन है ये 11,260 के पास है। इन दो मूविंग एवरेजेस को फिर से इसे ब्रेक करना होगा, इसके ऊपर सस्टेन करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बुल्स में यहाँ पर वापसी हो सकती है। तो ये है अभी फिलहाल वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं डेली चार्ट में। ये है डेली चार्ट निफ्टी का। अगर हम इस फॉल को अगर आगे के लेवल्स को प्रोजेक्ट करें तो हम यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल को ड्रॉ करेंगे इस लो और इस हाई को पकड़ के। तो अब ये फिर से एक बार ये जो तीनों मूविंग आ रहे, जैसे इसके नीचे ये ट्रेडिंग कर रहा है, इसके नीचे आके क्लोज हुआ था मंडे फ्राइडे को, और मंडे को भी यहाँ पर हमने एक बियरिश कैंडल स्टिक देखा। तो अभी ये अगर फॉल यहाँ से गहरा था तो 11,061 जो कि 61.8% का ये जो लेवल है ये फर्स्ट सपोर्ट का काम कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो कंसोलिडेशन फेस था इसका भी हायर लेवल जो है अपर लेवल, ये जो कंसोलिडेशन फेज है इसका हायर लेवल भी अराउंड 11,062 के पास ही आ रहा है। अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूँ तो और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये इस लेवल के पास टॉप बना रहा था, ये जो कंसोलिडेशन फेज था यहाँ पर ये कई बार टॉप बना रहा था। तो 11,062 के पास भी एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होता है तो नीचे 11,000 तक निफ्टी इंडेक्स हमें फिर से एक बार दिखाई दे सकता है। तो ये है फिलहाल डेली और वीकली चार्ट का सिनेरियो। चलते हैं 60 मिनट के चार्ट में, वीकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। यह है 60 मिनट का चार्ट। अगर निफ्टी इंडेक्स मंडे का अगर ये लो ब्रेक करता है यानी 11,112 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो ही हम इंट्राडे के लिए शॉर्ट पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं, और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा ये पिवट पॉइंट का इस जोन का लेवल जो कि 11,081 के पास है, और सेकेंड टारगेट होगा हमारा 11,059 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ अगर बढ़ता है
तो पिवट पॉइंट और ये जो लास्ट हाफ एन आवर का ये जो बियरिश कैंडलस्टिक बना था इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है यानी 11,157 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही हम यहाँ पर बाय साइड में पोजीशन बनाएंगे इंट्राडे के लिए। और तो अभी हमारा क्विकली फर्स्ट टारगेट होगा 11,175 भी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,193 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये आज के लिए निफ्टी के इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो ये एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।